हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, तो आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और यहाँ पर आज जो है पतिदेव की छुट्टी है, तो उनकी फरमाइश तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ तला भुना खाने का ज़रूर होगा। तो बस उनकी फरमाइश पूरा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाली पूरी, जो कि आलू और सूजी डालकर बनती है। तो बस उसी की मैं तैयारी में लगी हूँ। और इसमें आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में कुछ भी बनाओ टाइम तो सब में लगता है। तो बस इसकी वजह से जो है मैं वीडियो थोड़ा सा जो है फास्ट कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8, तो अभी मॉर्निंग वाला मेरा जो है काम सारा ख़त्म हो चुका है। और बहुत जल्दी सुबह नहीं उठी थी, लेकिन अभी जो है 7:30 तक उठी थी। और 8 बजे से मेरा काम जो है 7:30 तक उठी थी, आधे घंटे में झाड़ू पोछा हो गया है। और अभी नहाए वहाए नहीं है, बस सीधा किचन में आ गए हैं, क्योंकि पतिदेव ने कहा कि पहले बना दो पूरी। मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत बारिश भी हो रही है, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर ये आलू जो है ना, मैंने इसको रात में बॉयल किया था, पता नहीं क्या बनाया था रात में, मुझे याद भी नहीं है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, थोड़ा सा कड़ा हो गया है, तो इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और धनिया पत्ती, ये सब जो है आलू में ऐड करके इसको मैंने पीस लिया था। और आटे में मैंने अजवाइन डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा मोयन डाला है। और बस इसी से जो है अच्छे से गूंथ लूँगी। और इसमें थोड़ी सी सूजी डालूँगी। और अगर आप लोग के पास चावल का आटा हो तो वो सबसे अच्छा है, वो डालकर बनाइए, पूरी और ज़्यादा कुरकुरी बनती है। तो मैं यहाँ पर सूजी डाल रही हूँ, और मैं इसको पहले से ही भून कर रख लेती हूँ, भून कर छान कर रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आटा लग कर तैयार हो गया है। चलिए फटाफट इनकी पूरी बना देते हैं, उसके बाद फिर अभी बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आटा लग चुका है, और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है। और ये इतना जो है टाइम लगने वाला नाश्ता था ना, तो मैंने सोचा पहले इसको बना के फिर नहाने जाऊँगी, नहीं तो फिर से आके फिर मुझे किचन में भीगी जाना है फिर से इतनी गर्मी में। तो अभी ये खा लेंगे ये लोग ना, तो शाम को तहरी वगैरह ही खाएंगे, बिल्कुल खाना वगैरह कुछ वैसा खास नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा ना फटाफट इनका काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर आराम से नहाएंगे, क्योंकि पूजा 2-3 दिन से पूजा नहीं हो पा रही मेरी। उठने में लेट हो जाओ फिर बेबी मेरा जो है जिद करने लगता है, फिर उसको देखो तो उस सब चीज़ों में ना नहीं हो पाता पूजा वगैरह। कोशिश बहुत करती हूँ कर लूँ लेकिन नहीं हो पाता फ्रेंड्स। बहुत ट्राई करती हूँ कि जो है सारा काम टाइम से मैनेज हो जाए। जिस दिन काम टाइम से मैनेज हो जाता है ना, उस दिन मेरा बेबी जो है परेशान करता है, और जिस दिन टाइम से काम नहीं होता उस दिन मेरा बेबी सोता रहता है। तो कोई बात नहीं, अभी छोटा भी है, अभी वो वही क्या कर सकता है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, फिर समझदार हो जाएगा, फिर मैं अपने काम जो है ना आराम से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फटाफट जो है मैं पूरी बना के रख लूँगी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो साथ में थोड़ा सा और गर्म हो जाए, उसके बाद पूरी डालती रहूँगी और फटाफट ये बन जाएगा। उसके बाद फिर जो है मैं नहाने जाऊँगी और फिर जो है अपना काम करूँगी। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। तो बस यहाँ पर आ जाइए आप लोग को भी, जिसको गर्मा गर्म पूरी खानी हो। बहुत सारे लोग जो है मेरा एड्रेस पूछते हैं, तो अभी नहीं किसी एक वीडियो में उनके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना एड्रेस भी दूँगी। और मैं ये भी बताऊंगी कहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आप लोग शुरू से मेरे जो है मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग को कुछ लोगों को पता होगा जो रेगुलर देखते हैं, और कुछ का तो मैं नहीं बता सकती। तो बस यहाँ पर देखिए पूरी की महक लीजा को भी लग गई है, तो आके किचन के सामने बैठ गई हैं, क्योंकि उनको भी पूरी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी जो है पूरी खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। और जब तक खा नहीं लेंगी तब तक वो जाने वाली भी नहीं है यहाँ से। तो बस पतिदेव का, लीजा का और मेरे बच्चे का नाश्ता तैयार हो गया है। मेरे बच्चे को भी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस तीनों मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है, मैं भी खाती हूँ। तो बस चारों पांचों लोगों का फेवरेट नाश्ता बनकर तैयार है, और बस सॉस के साथ, खट्टी मीठी सॉस हो या जो भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं, बहुत क्रीमी लगता है।
तो चलिए फिर इन लोग को नाश्ता वगैरह दे देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं मिलूंगी आप लोगों से नहाने के बाद, पूजा करने के बाद और इन लोग को खिलाने के बाद। और ये देखिए, ये है दूसरे दिन की मॉर्निंग की क्लिप। फिर से मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि छुट्टी थी तो पतिदेव ने कहा कि यार थोड़ा सा जो है काम वगैरह बंद करो, थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि पतिदेव घर पर रहते तो वीडियो वगैरह नहीं बन पाता, ये सबको पता है, जो है हाउस वाइफ है सबको पता है। अगर पतिदेव रहते तो काम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है उन्हीं का काम इतना ज़्यादा रहता है, ये ला दो वो ला दो ये कर दो, दौड़ते दौड़ते टाइम बीत जाता है उसी में। और जब टाइम मिलता है तब जाकर हम लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो जब अब एक चीज़ हम लोग को ये पता होती है कि हाँ इतने टाइम इनको जाना है, उस हिसाब से मुझे काम करना है, तो वो सारा चीज़ मैनेज हो जाता है। और जब इनको घर ही में रहना है तो काम वगैरह कुछ ना टाइम से मैनेज हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ भी जो है मैं 8 ही बजे से शुरू कर रही हूँ आज अपना काम, और ये छुट्टी का दूसरा दिन है पतिदेव का। तो मैंने नहा के फिर मैंने ब्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं बनाया था, और ये फिर से 8 बजे का ही टाइम है। और यहाँ पर फिर जो है मैं फटाफट ये सब सही करूँगी, उसके बाद फिर जो है इस ब्लॉग का एंड भी करूँगी, क्योंकि कल ही से कंटिन्यू चल रहा है। और कल मैंने नाश्ता बनाया था तो थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, और अभी जो है ये सारा काम कर रही हूँ फिर बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है मन नहीं कर रहा है। और अब 2 दिन से तो लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो हो सकता है मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठंडा हो जाए, ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। पहले से गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम जो है नॉर्मल हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि कपड़े वगैरह बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता था, और मेरे सारे सूट जो है ना वो मोटे मोटे हैं, तो मोटे नहीं हैं लेकिन अब घर में नहीं समझ में आता है, घर में जो है इतना सारा काम रहता है, फिर जो है गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो इससे ना थोड़ी सी इरीटेट हो जाओ, समझ नहीं आता क्या करो। तो बस चलिए फिर यहाँ पर देखिए मेरा रूम वाला काम ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है चेंज नहीं करी है, वही मैंने बदल दिया है, और शीशा वगैरह सारा साफ़ कर दिया है, पर झाड़ू पोछा करना है। उसके बाद फिर से नहाऊँगी और फिर से आप लोग से मिलूँगी। कल मैंने कहा था आप लोग से मिलूँगी लेकिन मैं मिल नहीं पाई, तो आज ज़रूर मिलूंगी फ्रेंड। तो चलिए मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये शीशे वगैरह ना जितना भी साफ करो उतना ही धूल मिट्टी इस पर जम जाते हैं, क्योंकि इस समय हवा वगैरह शाम को चलती रहती है ना, तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ ही जाता है, कितना भी साफ करो वो बैठ जाता है धूल मिट्टी, तो इसको मैं रोज़ साफ करती हूँ। वैसे मैं इवनिंग में भी झाड़ू पोछा करती हूँ, कभी कभी पोछा करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, झाड़ू ही लगा लेती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा काम होता है फ्रेंड्स, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर यहाँ पर काम हो चुका है मेरा ख़त्म, और इस वीडियो का जो है अभी के लिए तो एंड ही कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। और ये सारे कपड़े देखिए, ये सारे कपड़े मुझे धुलने हैं, तो अभी इसमें भी मेरा टाइम जो है वो लग जाएगा। और जिस दिन आप लेट हो जाओ ना, उस दिन और भी काम वगैरह में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा तो बिल्कुल नहीं लगता, उस दिन मन करता है कि बस आराम करो और पड़ा रहने दो काम वाम, लेकिन फिर जो है करना पड़ता है हमें लोग को, चाहे देर से करें चाहे सवेर से करें, तो इसलिए जो है फिर से मन मार के जो है उठना पड़ता है कि नहीं चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग रही है, पोछा लगाऊंगी। गर्मी ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिल्कुल भी ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर आप लोग के लिए मुझे बनाना पड़ता है और अपने लिए भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ और मैं अपनी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। तो इस वजह से मैं भी जो है ब्लॉग्स बनाने के लिए तैयार रहती हूँ हमेशा, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए लेकिन मैं ब्लॉग्स ज़रूर बनाती हूँ, और आप लोग के लिए, आप लोग के प्यार के लिए, आप लोग के सपोर्ट के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। यहाँ पर चलिए पोछा लगाने जा रही हूँ, और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो अभी टाइम हो रहा है 3:50, तो ये वीडियो 4:23 पे या 4:22 पे जाने वाली है, और आज है 21 जुलाई, तो बस इतना टाइम है, जो कि मैंने आप लोग को टाइम दिया था कि 5 बजे वीडियो 4 बजे वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है ना कि जिस दिन आप सोचो ना आपका काम जल्दी हो जाएगा, उस दिन आपका काम और लेट होना ही है, क्योंकि बेबी बेबी के होते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारे काम। यहाँ मिल लो आप लोग मेरे क्यूटी बच्चे से, जो कि मेरा काम बढ़ाता रहता है। यहाँ पर कपड़े तय करके रखे थे और ये सारा गिरा दिया है।
ये देखिए, और अपना ये फोल्डिंग में जुटा है। और आज का नाश्ता मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि 8 बजे मैं सोकर उठी थी और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, और 10 साढ़े 10 बजे का, और खाते पीते 11 बज जाएगा। तो यहाँ पर पतिदेव जो है नाश्ता लेकर आए हैं, और नाश्ते में है बाटी चोखा, जो कि आप लोग को पता है पतिदेव का फेवरेट है बाटी चोखा। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है बाटी चोखा, मुझे ये वाला नहीं पसंद है। एक ये लाते हैं ना, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है यही इनके घर के पास ही में लगता है, वहाँ का है। जो कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पर बाटी चोखा तैयार है मॉर्निंग के नाश्ते के लिए। और आज नाश्ता देखिए यहाँ पर निकल रहा है कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक निकाल लेंगे और फ्रिज ऑफ कर देंगे, फिर लेकर चलेंगे रूम में क्योंकि पतिदेव वहीं पर बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस आज का नाश्ता यमी यमी, और आज का ब्लॉग 11 बजे एंड भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में 8 बजे से शुरू किया था, 11 बजे जो है ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन जो भी किया आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया। और ये देखिए पतिदेव को तो नाश्ता करने के लिए तैयार है। अभी रूम का काम जो है थोड़ा बहुत पड़ा है क्योंकि बिखर जाता है रूम, क्योंकि बेटा है मेरा छोटू सा, तो इधर उधर बिखेरता रहता है। और ये देखिए कैसे सो रहे हैं मेरे बच्चे।